भंडारी को इंसाफ दिलाने को लेकर उत्तराखंड बंद किया गया। वहीं पर्यटन नगरी धनौल्टी में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल इकाई धनौल्टी ने बिना किसी राजनीतिक दबाव के स्वेच्छा से जस्टिस फॉर अंकिता के समर्थन में संपूर्ण बाजार बंद रखने का निर्णय लिया, जिसका असर धनौल्टी बाजार में दिख रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत धनौल्टी व्यापार मंडल की इको पार्क समिति आदि बंद रखे गए। इसके साथ ही सभी व्यापारियों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। कहा कि जब तक अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती, तब तक सभी उत्तराखंड के लोग एकता का परिचय सरकार को दिखाते रहेंगे। टिहरी से बलवंत सिंह की रिपोर्ट। आज समस्त व्यापार मंडल धनौल्टी ने निर्णय लिया है कि अंकिता भंडारी को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए आज सभी व्यापारियों ने 12 बजे तक बंद का आह्वान किया है। अंकिता भंडारी की जघन्य हत्याकांड हुआ है और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के आह्वान पर आज धनौल्टी में पूर्ण रूप से 12 बजे तक पूर्ण रूप से बंद का आह्वान किया गया है, जिससे सभी व्यापारियों का पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है और पूर्णतः सभी ने अपने प्रतिष्ठान बंद किए हुए हैं और सभी ने यह सरकार से यह मांग की है कि शीघ्र अतिशीघ्र अंकिता भंडारी के हत्याकांड के जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए।